हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रमा की टेस्टी रेसिपी में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रसमलाई, और बहुत ही आसान तरीके से, इतनी आसान तरीके से कि घर पे आप कभी भी कैसे भी बना सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। तो ये देखिए, ये हमने आधी कटोरी मिल्क पाउडर ले लिया है और एक गिलास हमने दूध ले लिया है। थोड़ी सी हमने केसर ले लिया है। केसर को हमने, ये देखिए, आधी कटोरी में थोड़े से दूध में एकदम मिला के रख दिया है, मतलब कलर के लिए। और ये हमने चार छोटी इलायची हरी वाली ले ली है, एक गिलास हमने दूध ले लिया है। अब बढ़ते हैं अपनी कढ़ाई की ओर। तो ये देखिए, गैस ऑन करके हमने कढ़ाई गर्म करने रख दिया था, उसमें हमने एक गिलास जो हमारा दूध था उसे हमने ऐड कर दिया है, कढ़ाई में डाल दिया है। उसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे दूध को। दूध को ऐसे हल्के हाथों से हम चलाएंगे थोड़ा थोड़ा। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच चीनी मीठे के लिए। चीनी को भी मिक्स होने तक मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे दूध को, जब तक चीनी हमारी घुल जाएगी, जब तक पकाना है। चीनी हमारी धीरे धीरे घुल रही है और बहुत ही आसान है गाइस बनाना घर पे, बहुत ही आसान। घर पे आप बच्चों को भी बना के खिलाएंगे, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे आपके। ये हमने 4 इलायची को कूट लिया है, मतलब फोड़ लिया है, साबुत नहीं डालना है। और 4 इलायची हमने डाल दिए खुशबू के लिए। और घर पे भी गेस्ट आए तो आप बना के खिला सकते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आएगा। चीनी हमारी घुल चुकी है तो इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो ये आधी कटोरी हमने मिल्क पाउडर लिया था, उसको भी हमने ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम बाहर वाली बाजार वाली रसमलाई का टेस्ट आएगा, आप एक बार बनाकर जरूर देखें। ये हमारा केसर वाला दूध है, केसर वाला दूध भी हमने मिक्स कर दिया है अच्छा कलर आने के लिए। और अब दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। चार से पांच मिनट तक हमें बस पकाना है। अब आप देख सकते हैं दूध हमारा धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, इसी तरीके से हमें गाढ़ा करना है दूध को। जब थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तभी हमें गैस ऑफ करना है, जब तक हमें चलाते रहना है। देखिए दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और बस सर्व करके ठंडा होने तक छोड़ देंगे। अब यहाँ हमने 4 ब्रेड ले ली हैं, 20 रुपए वाला जो पैकेट आता है, और ये किनारी वाला हमने एक गिलास ले लिया है। इस तरीके से हमें कटिंग करना है। अभी हमें ऐसी कटिंग कर लेना है, बहुत ही आसानी से कटिंग हो भी जा रहा है। ये देखिए, ब्रेडो को कटिंग कर लिया है हमने, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम ये अपना गाढ़ा वाला जो दूध है रसमलाई का तैयार किया हुआ, उसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए, और खाने में एकदम टेस्ट एकदम बाहर वाले बाजार वाले ही आ रहा था। एक बार आप जरूर ट्राई करें घर पर, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मीठा पसंद हो तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। देखिए, अच्छे से सर्व करिए। काफ़ी अच्छे से हमने सर्व कर दिया है। आप
गेस्ट को भी खिला सकते हैं इसी तरीके से बना के आसान तरीके से एकदम। ये हमारे कुछ ड्राई फ्रूट हैं बादाम, यानी कि बादाम से अच्छे से हम डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए बादाम को हमने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। अब ये हमने केसर ले लिया है, केसर से भी हम अच्छे से ऊपर से डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए हमारा पूरी तरीके से एकदम तैयार हो चुका है रसमलाई, तो एक बार आप जरूर ट्राई करें। बाय बाय। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। जब तक के लिए बाय बाय।